वेलकम टू अवर YouTube चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8 और आज की हमारी एक्सरसाइज है 5.4। सो 5.4 एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ आइडेंटिटी जो हमें दी गई हैं, और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो आइडेंटिटी का यूज़ हम करेंगे उन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी आगे रहे। तो आइडेंटिटी में हमारा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है ब्रैकेट में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा तो हम क्या इसको सोल्व करेंगे, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लॉज इंटू एक्स इंटू सॉरी प्लस ए इंटू बी। तो एक बार फिर से देख लें, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो हम उसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लॉज इंटू में x और प्लस a इंटू बी, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड आइडेंटिटी है a की क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसे हम फाइंड करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, जहाँ भी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज़ हम करेंगे तो वो होगी आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखें, इसे लर्न करें, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये आइडेंटिटी आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से। सो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब टू क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट को फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट ए हम देख रहे हैं एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस सेवन, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। पार्ट ए को x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस सेवन को सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एज इट इज लिख दिया, ओके। क्योंकि ये हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या है, हमारी वो आइडेंटिटी है जो मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, दोबारा से याद करा रहा हूँ। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस सेवन जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमें सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पर क्या है फाइव और b के प्लेस पर हमारा कितना है सेवन। जहां a है वहां पर फाइव है, जहां पर b था वहां पर सेवन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी था, तो ए की जगह फाइव रखा प्लस बी की जगह सेवन रख दिया, तो फाइव प्लस सेवन हो गया इंटू में क्या है एक्स और प्लस में ए इंटू बी यानी कि फाइव इंटू सेवन। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस सेवन फाइव जो थर्टी फाइव। सो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाइव इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट बी हम देखेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से है, ए प्लस फोर इंटू ए प्लस इलेवन, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स तो है नहीं, क्या है एक्स के प्लेस पर ए है और जहाँ ए था वहाँ पर फोर है, ऐसे यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ए हो गया और जहाँ बी था वहाँ पर इलेवन है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो प्लेस पर जिस प्लेस पर जो नंबर है हमें वही लिखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह है ए, तो ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस इलेवन इंटू एक्स था लेकिन यहाँ पर क्या है ए है तो ए लिखेंगे प्लस ए इंटू बी यानी कि फोर इंटू इलेवन। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस इलेवन फिफ्टीन यानी कि फिफ्टीन ए प्लस इलेवन फोर जब फोर्टी फोर तो फोर्टी फोर। तो एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन ए प्लस फोर्टी फोर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही पार्ट हम देख लेते हैं ई y माइनस एट इंटू वाई माइनस फाइव, इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो उस आइडेंटिटी में क्या था, प्लस था
यहाँ पर क्या है, माइनस है साइन बीच में, तो ये जगह इसे हम लिख सकते हैं y प्लस और ब्रैकेट में माइनस 8, अब भी बात हुई है, इंटू y प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5। अब देखिए हमारा वही क्वेश्चन हो गया है राइट, और यहाँ पर x की जगह क्या है y है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 5 इंटू वाई प्लस माइनस का 8 इंटू माइनस का 5, ठीक है, वही आपकी आइडेंटिटीज में यूज हो गई है। तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 8 और प्लस माइनस साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 5 इंटू वाई प्लस माइनस का 8 एंड माइनस का 5, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 8 5 जब 40, सो वाई स्क्वायर प्लस माइनस के कितने हो गए आपस में ऐड हुए, तो माइनस का 8 और माइनस का 5 आपस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस 13y प्लस 40, तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस साइन की मल्टीप्लाई हुई आपस में तो प्लस माइनस माइनस 13y प्लस 40 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एवेल्यूट द फॉलोइंग, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है 107 मल्टीप्लाई 109। देखिए सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना, आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे देखते हैं। 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 107 लिखें या फिर 100 प्लस 7 लिखते हैं बात एक ही है, इंटू 109 को क्या लिखेंगे, यस 100 प्लस 9 राइट, ये क्लियर है आपके, तो इक्वल टू हो जाएगा 100 का स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर हो गया 100 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो 100 है वो एक्स के प्लेस पर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 7 प्लस 9, आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू एक्स की जगह 100 प्लस 7 इंटू 9, क्योंकि ए इंटू भी होता है तो 7 इंटू 9, सो 100 का स्क्वायर होगा 10,000 प्लस 7 प्लस 9 16 मल्टीप्लाई 100 और प्लस में 7 9 जा 63, सो ये हो गया 10,000 प्लस 16 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 1600 प्लस 63, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1600 63 इक्वल टू 11,663 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, पार्ट ए हम देख लेते हैं, बाकी पार्ट आपको करने हैं योर सेल्फ। तो एक्स प्लस वाई, बड़े फोकस से ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले फर्स्ट नंबर का जो हमारा जो भी नंबर है उसकी तीनों में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो कटता है आपस में कट कर देंगे और जो बचेगा उसे लिख देते हैं। सो सॉल्यूशन में हमने इसको ऐसे नोट कर दिया ऊपर, अब x की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं पहले इन सभी में, फिर y की करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और बीच में साइन किसका है, दोनों का प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाएंगे आप y की मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, अब x की मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 3 हो गई, क्योंकि एक तो पावर यहाँ पर x की है और 2 इधर है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है अगर हमारा बेस सेम है, तो x की क्यों ऐसी प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर हो गया x की x में एक्स स्क्वायर वाई और फिर प्लस का साइन है प्लस लगा दिया x इंटू वाई स्क्वायर राइट। अब इसकी y की कर लेते हैं तो प्लस का साइन है y की एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस माइनस माइनस, साइन का जरूर ध्यान रखिए माइनस और प्लस को माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस का है और इधर प्लस माइनस माइनस का एक्स इंटू वाई स्क्वायर और प्लस 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 यानी कि वाई की क्यूब, वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा। अब जो भी आपस में कट सकता है उसे कट कर देंगे, जो बचेगा उसे छोड़ देते हैं, हमेशा ध्यान रखें प्लस माइनस के आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो आपस में कट हो गया, ऐसी प्लस का एक्स इंटू वाई स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स इंटू वाई स्क्वायर है, तो आपस में प्लस माइनस के कट हो गए, तो क्या बचा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज द आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा बी पार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। मल्टीप्लाई करनी है x माइनस वाई की इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। अगर आपने क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट ध्यान से देख लिया है तो इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन में हमने एज इट इज इसको नोट कर लिया, देन x की मल्टीप्लाई इसमें किया और माइनस का साइन लगाया, y की मल्टीप्लाई फिर इसमें कर दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, माइनस प्लस माइनस का वाई एक्स। ओके, कितना हो गया, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का वाई की क्यूब। ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ स्क्वायर लिख लें आप, तो ये कितना हो जाएगा, क्या कट हो गया, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई ये कट हो गया और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट हो गया। यहाँ पर आप टू बना लें इसको, वाई एक्स स्क्वायर है यहाँ। ओके, आगे देखें तो ये तो नंबर कट हो गए, जो बचेंगे उसे हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये क्या बच गया, यहाँ से एक्स क्यूब बच गया और माइनस का यहाँ पर वाई क्यूब बच गया। राइट, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर दिया सॉल्यूशन में हमने। ये जो फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखें तो किसका है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी, सॉरी बी स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला, एक्स की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाला, यानी कि एक्स की क्यूब प्लस फोर की क्यूब यहाँ पर हो गया। ऐसे यहाँ माइनस का साइन है, ये फॉर्मूला हमारा किसका है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है एक्स क्यूब और प्लस बी की जगह कितना है थ्री, तो थ्री की क्यूब। सो इसे हमने सॉल्व किया, एक्स की क्यूब प्लस ये हो गया सिक्सटी फोर, सिक्स फोर फोर जै सिक्सटीन और सिक्सटीन फोर जै सिक्सटी फोर माइनस एक्स की क्यूब प्लस थ्री थ्री जै नाइन और थ्री जै ट्वेंटी सेवन। तो ये हो गया हमारा एक्स की क्यूब प्लस सिक्सटी फोर और माइनस का एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं हम, ये माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब हो गया और माइनस प्लस माइनस का ट्वेंटी सेवन हो गया। तो यहाँ पर जो कट सकता है कट कर देंगे, जो बचेगा छोड़ देंगे। तो यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट, यहाँ प्लस का एक्स क्यूब है और यहाँ माइनस का एक्स क्यूब है, इसे कट कर लेना आपस में। तो कितना बचेगा, 64 और माइनस का 27, तो 64 में से 27 माइनस करेंगे तो बचेगा 37 इज़ द आंसर। तो प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करें सभी क्वेश्चंस की, जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।